दिखाई दे रही ये तस्वीरें जिला ऊना की हैं, जहां पर बढ़ रहे अवैध खनन के मामलों पर लगाम कसने के लिए कई विभागों की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई में खनन विभाग, उद्योग विभाग और पुलिस विभाग ने पिछले सालों की तुलना में इस साल जुलाई महीने में बड़े स्तर पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रदेश के राजस्व में भारी भरकम रकम जमा करवाई है। जिला पुलिस अधीक्षक अर्जित सिंह ठाकुर का कहना है कि पंजाब से सटा होने के चलते इस क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियां प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलती है। माइनिंग डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज और अन्य डिपार्टमेंट्स की जो एक मैंडेट है, उसके चलते पुलिस भी अपनी तरफ से कार्रवाई इसमें लगातार कर रही है। ये सही है कि माइनिंग प्रोन एरिया होने के कारण हमारे यहाँ पे माइनिंग काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपनी प्राइवेट ज़मीनों से रेगुलरली जो रेता आता है स्वां रिवर में, उसको निकालते रहते हैं और उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमको ये भी शिकायतें रेगुलरली आती रही हैं कि कुछ पंजाब से बड़े हैवी मशीनरी यूज़ करके जो है माइनिंग का काम करते हैं। हमने लगातार इस पर कार्रवाई करते रहे हैं और पिछले कुछ सालों में माइनिंग का जो कारोबार है, इलीगल कारोबार है, उस पर काफ़ी रोक भी लगी है। वहीं एसपी का कहना है कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अब खनन माफियाओं ने अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का तरीका भी बदला है। अब थोड़ा हमको ये इन्फॉर्मेशन आई है कि किस तरह से लोग जो है ने अपना मोडस ऑपरेंडी जो है बदला है। पहले टिप्पर और हैवी मशीनरी से लोग लोडिंग करते थे, अब थोड़ा सा ये चेंज इन्होंने ये सिस्टम किया है कि ये ट्रैक्टरों में लोडिंग करके माल जो है क्रशर्स की जो डंप साइट्स हैं वहाँ पे डंप साइट्स में क्रिएट करते हैं। और क्रशर से कई बार ये देखने में आया है कि एम फॉर्म जो है दे दिए जाते हैं उनको, जो नदी से उठाई गई रेत है उसको भी एम फॉर्म दे दिया जाता है। तो छोटे ट्रैक्टर्स पे भी हमको सख्ती करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब बड़ी मशीनरी उतार के टिप्पर्स को नदी में घुसाने का काम जो है थोड़ा कम हुआ है, बट ट्रैक्टर से अब ज़्यादा माइनिंग हो रही है। वही जिला खनन अधिकारी नीरज कांत का कहना है कि विभाग की ओर से समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साल 2022 में करीब 461 चालान किए गए। विभाग के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और पिछले साल में जो हमारा डाटा था वो 461 चालान थे, 1.5 करोड़ रुपए के हमने चालान किए हुए हैं। और इस साल भी 23-24 में हमारे अभी तक जुलाई महीने तक 60 चालान हो चुके हैं और 6.5 लाख रुपए हमने वसूला गया है। इसके अलावा एसपी साहब ने माइनिंग रिजर्व भी डिप्लॉय कर दी है, तो उसके कारण भी अब मेरे ख्याल से अवैध खनन पे रोक लग जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस विभाग से मिले आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 से लेकर 2023 तक अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं साल 2018 में अवैध खनन के 310 मामलों में चालान की कार्रवाई हुई है। साल 2019 में 507 चालान किए गए हैं, 2020 में 692, 2021 में 447, 2022 में 296 वाहनों के अवैध खनन की गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते चालान किए गए हैं, जबकि मौजूदा साल में महज 7 महीने के अंदर 604 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। सूर्य समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।